देश की सुरक्षा, देश का मान और सम्मान और उसके प्रतीक बन के उभरे नरेंद्र मोदी, तो सब चीज़ों से ऊपर उठ के लोगों ने विकास को वोट दिया है, मोदी को वोट दिया है। सर, प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से 40,000 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रही है, तो इसमें कुछ संदेह था? मैं पहले दिन से कहता था कि साध्वी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगी, दिग्विजय सिंह जी बुरी तरह हारेंगे। सर, यूपी में भी अमेठी की बात करें, अमेठी सीट की, तो वहाँ पे भी स्थिति बड़े कांटे की टक्कर चल रही है। अब राहुल जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि वो अमेठी में पीछे है, वायनाड में आगे है, तो ईवीएम कहाँ की गलत है ये बता दें। ईवीएम वही बताती है जो जनता देती है, अपना मत देती है, और राहुल गांधी खुद अब जीतने की स्थिति में अमेठी से नहीं है। लेकिन ईवीएम पे सवाल भी उठाए जा रहे हैं लगातार। मैं वही कह रहा हूँ कि फिर वायनाड में क्यों? देखिए, हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हारे, आखिर गुजरात में कांटे की टक्कर में हम लोग जीते थे विधानसभा के चुनाव में, तब ईवीएम नहीं थी क्या? मैंने कल ही कहा था कि ये हार का ठीकरा ईवीएम के सिर पे फोड़ेंगे। राहुल बाबा अब परिपक्व बनो,